हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने एक कटोरी पानी में दो कटोरी चीनी यानी 400 ग्राम चीनी को डालकर और पानी को हल्का गर्म करके और चीनी को उसमें घुला लिया है। एक केजी मैदा ले लिया है और मैंने उसमें एक कटोरी सूजी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसमें मैंने अच्छे से मैम डालकर और अच्छे से सभी को मिक्स कर लिया है। अच्छे से दोनों हाथों को दबाते हुए अच्छे से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें ताकि हमारा सूजी मैदा और उसमें जो हमने मैम डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा मैम जितने अच्छा से मिक्स होगा हमारा खजूर उतना ही टेस्टी और बढ़िया बन के तैयार होगा। फिर से मैंने आधा कटोरी और रिफाइंड डालकर और फिर से दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया। धीरे धीरे आप मैम डालकर मिक्स करेंगे तो काफ़ी अच्छा और आसानी से मिक्स हो जाएगा। जब आपको ऐसे ना पता चले तो दोनों एक हाथ के बीच में मुट्ठी में दबाकर और आप देख ले, अगर मुट्ठी अच्छे से बंधा गया इसका मतलब आपका खजूर बनने के लिए आपका मैदा तैयार है। उसके बाद जो मैंने पानी और चीनी का घोल बनाया था उसको मैंने आराम से धीरे धीरे से मिलाते हुए पहले एक हाथ से फिर बाद में दोनों हाथों से अच्छे से सभी में आपस में मिक्स करके और अच्छे से मिला लिया। ज़्यादा टाइट डो ना गूंथे, नॉर्मल ऐसा कि जैसे अच्छे से बंध जाए। ज़्यादा अगर आप टाइट कर देंगे तो कढ़ाई में तेल में जाने के बाद वो टूट जाएगा, फट के अलग हो जाएगा और आपको छानने में बहुत परेशानी होगा। अब हमारा डो अच्छे से गूंथ के तैयार हो गया है और मैंने हाथों में अच्छे से उसका लोई बनाकर और आप चाहे तो इस पर कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। रिफाइन ऑयल को अच्छे से गर्म करके गैस का फ्लेम कम रखें और अच्छे से आप अपने अनुसार, अगर टूटे तो गैस का फ्लेम तेज करें, ना टूटे तो अच्छे से लाल करके दोनों तरफ से पलटते हुए और अच्छे से इसको पका लें। जितना अच्छा से पकेगा उतना ही टेस्टी और बढ़िया बन के तैयार होगा और काफ़ी लंबे समय तक ये ख़राब भी नहीं होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल ही बिस्किट की तरह आएगा और बच्चे भी बहुत पसंद से खाएंगे। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।